नैरितः प्रवर्तन्ते प्राणिनः स्वेषु कर्मसु तं वन्दे परमात्मानं स्वात्मानं सर्वदेहिनः। नमो नवघनश्याम काम कामित देहिने कमला काम सौदाम कर्ण काम गेहिने। संस्कृत शौर्यम आमुख पटल के संवाहक पंडित श्री राजकुमार जी एवं वेदांत शास्त्र के अध्येता सुधीगण, पंचदशी का छठवां प्रकरण चित्रदीप प्रकरण। इस चित्रदीप प्रकरण का के क्रम में चित्र पट के माध्यम से आत्म तत्व के स्वरूप का निश्चय कराया गया है। उसमें ही जो जीव है, जीव को आभास रूप बताया है और इस जीव और जगत आभास का की निवृत्ति हो जाने पर आत्मात्र शेष रहता है, उसी को 11वीं कारिका में कहा था, आत्माभासस्य जीवस्य नात्म वस्तुनः। आत्माभाव से जीव से संसार है, आत्माभास आत्मा का जो आभास है वो आत्माभास ही जीव है, उस जीव का ही संबंध संसार से है, यह बोध ही विद्या है। संसार जीव संबंधी, जीवस संसार तादृश बोधा एव विद्या। जीव का संसार है, आत्मा संसारी नहीं है, आत्मा का आवागमन नहीं होता है, आत्मा संसरणशील नहीं है, यह बोध है। विचारणात् असौ बोधा भवे सविद्या, यही विचार करने की। इसलिए तस्मात् विचारेत जगत जीव परात्मना, इसलिए जब तक विचार नहीं करेंगे, विचार के बिना जगत का जीव से संबंध है, जगत का आत्मा से संबंध नहीं है, यह प्रतीति नहीं होगी। जगत जीव संबंधी है, आत्मा का से संबंध नहीं है जगत का, यह विचार करना चाहिए। जगत का, जीव का, परमात्मा का विचार, कह परमात्मा कह जीवात्मा, जीवात्मा के स्वरूप को, परमात्मा के स्वरूप को तथा जगत के स्वरूप को जब शास्त्र की दृष्टि से, शास्त्र चिंतन से जब विचार करेंगे, गुरु मुख उपदिष्ट जो शास्त्र है, उस शास्त्र का जो गुरु के द्वारा उपदिष्ट शास्त्र है उससे जब विचार करेंगे, तब विचार के उत्तर क्या प्राप्त होगा, जीव भाव और जगत भाव। ये आत्मा में ही जीव भाव है, आत्मा में ही जीवाभास है और इसी आत्मा में जगत अध्यस्त है। इनका बाध हो जाने पर आत्मात्र अवशेष रह जाएगा, यह विचार बताया गया था। उसी विचार को आगे प्रवृत्त कर रहे हैं इसकी परिपुष्टि में ही आज का पाठ।
आगे 13वीं कारिका से यहाँ से होना है। न प्रीति तिरस्तयोर बाधा किंतु मिथ्यात्व तो निश्चय नो चेत सुसुप्ति मूर्छादौ मुचेत आयतनतो जनहा। संसार और जीव का जीवत्व जीवात्मा में जीवाभास है, वो जीवाभास और जो जगत रूपता है अध्यस्त जगत रूप है नाम रूपात्मक जगत है, उनका बाध कैसे होगा? क्योंकि आपने बताया कि जीव का जीवत्व का बाध आत्मा में जो जीवाभास है उस जीवाभास का और जगत का बाध हो जाने पर आत्मात्रव शेष रहता है जिसको मोक्ष कहते हैं। परंतु बाध कैसे? कहा अप्रतीतिर बाध है का नहीं, जीव जगत की अप्रतीति अज्ञान बाध नहीं है, अपितु जीव में और जगत में मिथ्यात्व निश्चय अतात्विकता का निश्चय वही बाध है, क्योंकि बाध और मिथ्यात्व पर्यायवाची है। ज्ञान बाध्यत्व भी मिथ्यात्व का लक्षण है। तो मिथ्यात्व माने अतात्विकत्व, मिथ्यात्व बाध्यत्व निवर्त्यत्व अनिर्वचनीयत्व ये वेदांत में पर्यायत्वेन इनका प्रयोग है। अतः बाध्यत्व आत्मातिरिक्त ज्ञान विषय भूत पदार्थों में बाध्यत्व है, वो सभी मिथ्या हैं। और जो बंध्या पुत्र आदि अलीक हैं वो ज्ञान विषय हैं, इसलिए वो बाध्य भी नहीं मिथ्या भी नहीं। तो अप्रतीति जगत और जीव की अप्रतीति अज्ञान बाध नहीं है, अपितु संसार में और जीव में मिथ्यात्व का अतात्विकत्व का निश्चय हो जाना, ब्रह्म में जीवत्वम न तात्विकम, ब्रह्म में जो जीव भाव है जीवत्व है वो तात्विक नहीं है, कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि जो प्रतीत है वो तात्विक ब्रह्म का नहीं है, अपितु अद्वय चिद्रूपता ही तात्विक है, ये जीवत्व का बात। ये जो प्रतीयमान जगत है दो प्रकार के जगत की शुरू यहाँ पर वर्णित है, एक ब्रह्म प्रमा अतिरिक्त प्रमा से बाद प्रतिभास काल पर्यंत प्रतीयमान सुक्ति रहता आदि प्रातिभाषिक पदार्थ है, और दूसरा ब्रह्म प्रमा अतिरिक्त प्रमा से अबाधित अव्यवहार अर्थ वो व्यवहारिक प्रपंच है, ये दोनों बाधित हैं। प्रातिभाषिक ब्रह्म प्रमा अतिरिक्त सुक्ति आदि विषय प्रमा से बाधित है, और जो व्यवहारिक है वो ब्रह्म प्रमा से बाधित है, दोनों बाधित हैं अतः मिथ्या है। यदि प्रपंच का अज्ञान ही बाध हो तो सुसुप्ति में किसी भी प्रपंच की प्रतीति नहीं होती है, किसी भी विषय का भान न प्रातिभाषिक न व्यवहारिक किसी भी विषय का भान सुसुप्ति में नहीं होता। यदि अज्ञान ही विषय का अज्ञान ही बाध है
तो सुषुप्ति में ही मुक्ति हो जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रपंच का बाध मुक्ति है, सुषुप्ति में प्रपंच की प्रतीति होती नहीं है, मूर्छा में प्रतीति होती नहीं है, तो सुषुप्ति और मूर्छा में ही बिना यत्न के ही, बिना प्रयास के ही, बिना शास्त्र अभ्यास से, बिना योगाभ्यास से ही मुक्ति हो जाएगी, क्योंकि सुषुप्ति तो मिलती ही है। इसलिए अप्रतीतिर बाध नहीं है, प्रपंच में मिथ्यात्व बाध है। इसलिए अद्वैत निश्चय मोक्ष है और अद्वैत निश्चय के प्रति प्रपंच मिथ्यात्व हेतु है, क्योंकि जब तक प्रपंच में मिथ्यात्व नहीं, बुद्धि नहीं होगी, प्रपंच में अतात्विकता का ज्ञान नहीं होगा, तब तक अद्वैत आत्मतत्व का बोध, अद्वैत निश्चय नहीं हो सकता। इसीलिए अद्वैत सिद्धे द्वैत मिथ्यात्व पूर्वकत्वात् पूर्वं द्वैत मिथ्यात्वं वर्णनीयम्, यह अद्वैत सिद्धि ग्रंथ है। अद्वैत का निश्चय द्वैत मिथ्यात्व पूर्वक ही हो सकता है, अतः द्वैत मिथ्यात्व ही पूर्व में प्रतिपादनीय है। द्वैत में मिथ्यात्व निश्चय हो जाने पर अद्वैत का निश्चय हो जाता है। परमात्मावशेषोपि तत्सत्यत्व विनिश्चयः न जगत विस्मृति नो चे जीव जीवन मुक्ति न संभवेत। दूसरी बात, परमात्मावशेष जो मोक्ष है, वो परमात्मावशेष मोक्ष का तात्पर्य क्या है? तत्तु सत्यत्व निश्चय। परमात्मा एव तात्विकः त्रिकालाबाद सत्ताकः नित्यः शाश्वतः सत्यत्व विनिश्चय। परमात्मा का सत्यत्व विनिश्चय, परमात्मा अतिरिक्त तात्विकता सत्यत्व अन्य का नहीं है, केवल यही विनिश्चय ही परमात्मा अवशेष है, जिसको मोक्ष भी कहा गया। जगत विस्मृतिर ना, इतने से मत समझ लेना कि परमात्मा अवशेषता का अर्थ हुआ कि जगत नहीं रहा, जगत की विस्मृति हो जाना। नहीं, जगत की विस्मृति यदि आप परमात्मा अवशेषता को मानेंगे तो जीवन मुक्ति कहाँ से होगी? जीवन मुक्ति का तात्पर्य है कि प्रारब्ध अवशेषा अवस्था में अभी जीवन जिसका अवशेष है, उस काल में जिस व्यक्ति को आत्मा का निश्चय हो गया, आत्मा के तात्विकता का निश्चय हो गया, अनाथ पदार्थ प्रपंच की तात्विकता का निश्चय हो गया, वो मुक्त हो गया। और जब तक उसका प्रारब्ध है, तब तक प्रारब्ध काल पर्यंत उसका जीवन है, वो जीवन मुक्ति है। अब यदि उस जीवन मुक्त जो व्यक्ति है, जो प्रमाता है, जो साधक है जीवन मुक्त, वो जो बद्ध पुरुष के समान ही उसका भी व्यवहार होता है, जगत संबंधी व्यवहार, क्योंकि क्षुधा होगी तो भोजन करेगा, प्यास होगी तो जल पिएगा, जल ही पिएगा, भोजन ही खाएगा, अर्थात भेद बुद्धि है। यदि संसार जीवन मुक्त की भेद बुद्धि नष्ट हो जाए, तो पूर्व में ही कहा था कि वो
कुत्ता में उसमें कोई भेद ज्ञान विशेषता नहीं रह जाएगी असुचि भक्षण। इसलिए भेद बुद्धि उसको व्यवहार काल में भेद बुद्धि रहती है, वो भेद बुद्धि और व्यवहार और जगत को आत्मात्विक समझ करके व्यवहार करता है। यह अंतर है। एक अज्ञानी है जो व्यवहार का जगत व्यवहार का संपादन व्यवहार को तात्विक जगत को तात्विक समझ कर करता है, और वही जिसको आत्मा का निश्चय हो गया है आत्मा तात्विक है, आत्मा अतिरिक्त प्रपंच तात्विक नहीं है, ये ज्ञान जिसको हो गया है वो उसका व्यवहार अतात्विक को समझ करके अतात्विक जगत को अतात्विक समझ करके व्यवहार करता है, और अज्ञानी अतात्विक जगत को तात्विक मान करके व्यवहार करता है। इतना ही दोनों में अंतर है। परंतु जो ब्रह्मज्ञानी है जीवन मुक्त है वो उसका व्यवहार नहीं होता ऐसी बात नहीं है, व्यवहार का संपादन वो भी करता है। अंतर इतना ही है कि वो व्यवहार को अतात्विक समझ करके जगत को अतात्विक समझ करके व्यवहार करता है और एक तात्विक समझ करके व्यवहार करता है, यही अंतर है। इसलिए परमात्मा अवशेष परमात्मा का सत्यत्व निश्चय है और परमात्मा अतिरिक्त जीव भाव जगत भाव की अतात्विकता का निश्चय है, यही परमात्मा अवशेष है। अन्यथा जगत विस्मृति को आप मानेंगे तो जीवन मुक्ति नहीं होगी। जीवन मुक्ति क्योंकि जीवन मुक्त जगत संबंधी व्यवहार का संपादन करता है। परोक्ष च अपरोक्ष इति विद्या द्वेधा विचारजा तत् अपरोक्ष विद्याप्तौ विचारोऽयं समाप्यते। कहा दो प्रकार की विद्याएं हैं, एक परोक्ष विद्या है और एक अपरोक्ष विद्या है। आत्मा का परोक्ष ज्ञान, आत्मा का अपरोक्ष ज्ञान, दो प्रकार का। ये दोनों ज्ञान विचार से उत्पन्न होने वाले हैं, शास्त्र का के विचार से गुरुमुख श्रुत वेदांत आदि उपदेशों से उनका श्रवण, श्रवण के बाद मनन निधिध्यासन आदि के द्वारा ये परोक्ष विद्या और अपरोक्ष विद्या दोनों प्राप्त होते हैं। तत्र अपरोक्ष विद्या आप्तौ, अब यहाँ पर दो विद्याएं हैं, दोनों विद्याओं में प्रापणी प्राप्त करने योग्य कौन सी विद्या है। आत्मा का परोक्ष ज्ञान प्राप्त करने योग्य है कि अपरोक्ष ज्ञान, परोक्ष ज्ञान से हम क्या करेंगे, क्योंकि आत्मा का जो अपरोक्ष ज्ञान है वो अपरोक्ष ज्ञान यदि मुक्ति का हेतु है, बंध निवृत्ति का हेतु है, अविद्या का हेतु है, तो अपरोक्ष ज्ञान ही प्राप्त योग्य है, प्राप्त करने योग्य। इसलिए अपरोक्ष विद्या प्राप्ति में यह विचार
अव्योच विद्या प्राप्त विचारोयम समाप्यते। अपरोक्ष विद्या प्राप्ति में इतना तक विचार हो गया, वो विचार यहाँ से समाप्त कर देते हैं। अपरोक्ष विद्या प्राप्ति यही है कि संसार और जीव में मिथ्यात्व ज्ञान और परमात्म सत्यत्व विनिश्चय, परमात्मा अवशेषता, ये अपरोक्ष ज्ञान है आत्मा का। इसके उत्तर में परोक्ष ज्ञान के विषय में विचार हम प्रारंभ करते हैं। तत्र अस्ति ब्रह्मेति चेद वेद परोक्ष ज्ञानमेव तत् अहम् ब्रह्मेति चेद वेद साक्षात्कार स उच्यते। पहले दोनों के स्वरूप, ब्रह्म के परोक्ष ज्ञान का स्वरूप और ब्रह्म के अपरोक्ष ज्ञान का स्वरूप क्या होगा। परोक्ष ज्ञान के स्वरूप को बता रहे हैं ग्रंथकार, अस्ति ब्रह्म चेद वेद। यदि ऐसा ज्ञान होता है ब्रह्म अस्ति, तो ये परोक्ष ज्ञान है। ब्रह्म अस्तिति यह जो ज्ञान है, यह ज्ञान परोक्ष ज्ञान है और अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, यह जो ज्ञान है यही साक्षात्कार है, माने अपरोक्ष ज्ञान है। साक्षात अपरोक्ष ये दोनों पर्याय हैं, प्रत्यक्ष कहें अपरोक्ष कहें साक्षात्कार कहें, तो ये साक्षात्कार यही है, उसी को साक्षात्कार कहते हैं। जब ब्रह्म और जीव में भेद बुद्धि नहीं रह जाती, अपना स्वरूप जो जीव के रूप में कर्ता भोक्ता कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि के रूप में जो प्रतीत होता था, जीवत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि संसार का बाद हो जाने पर वह आत्मात्र अवशेष हो करके अहम ब्रह्म यह जो प्रतीति होती है उसी का नाम साक्षात्कार है। बल्कि यहाँ पर अहम ब्रह्म यह प्रतीति का तात्पर्य है ब्रह्म रूपतापन्नता। अहम ब्रह्मास्मि यह जो वृत्ति है, यह वृत्ति आत्म साक्षात्कार रूप नहीं है, आत्म साक्षात्कार का साधन है। जब तक इस वृत्ति का लय नहीं हो जाता तब तक अद्वैत रूपता नहीं होगी। वो वृत्ति ही अहम ब्रह्मास्मि ये जो वृत्ति है, यही उपाधि हो करके तदुपहित ही चैतन्य रहता है अहम ब्रह्मास्मि इस काल में। अतः वृत्ति स्व वृत्ति से उपहित ही ब्रह्म विषय होता है। जो वृत्ति अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति जो शुद्ध ब्रह्म को विषय करती है, वो ही वृत्ति में जो स्वस्वरूप है माने वृत्ति का स्वरूप है, वही उपाधि तया उसमें भाषित होता है। और जब विषय करती है शुद्ध ब्रह्म को और विषय करने वाली जो विषयी वृत्ति है, विषयणी वृत्ति है, वही उसकी उपाधि हो जाती है, तो स्वस्वपहित को विषय करती है। यद्यपि स्वस्व का ज्ञान नहीं होता, परंतु जिसको ज्ञान करने जा रही है उसी में उसी से वो प्रतिबिंबित हो जाती है वृत्ति।
ब्रह्म को अहम ब्रह्मास्मि यह वृत्ति ब्रह्म को विषय करने जा रही है, ब्रह्म को विषय करती है, तो ब्रह्म के सानिध्य में उसी से वो प्रतिबिंबित हो जाती है। अतः प्रतिबिंबाश्रय हो जाती है, अतः उसमें वृत्ति में ब्रह्म स्वपहित प्रतीत होता है, स्वतः जो है निरूपहित रहता है। अतः वृत्ति दशा में ब्रह्म की सुपहिरता सुपाधिकता विद्यमान है। वृत्ति के लय हो जाने के बाद बिंब रूपता मात्र शेष रह गई, प्रतिबिंब आश्रय जो वृत्ति थी उसका नाश हो गया। अतः वहाँ पर अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्म का तात्पर्य अहम ब्रह्मास्मि नहीं लेना चाहिए, वो वृत्ति रूप अहम ब्रह्मास्मि नहीं लेना चाहिए, अपितु अहम माने जो जीव है वो जीव का ब्रह्म से अभेद रूपता अहम ब्रह्मैव। ये जो जीव और ब्रह्म की अभेद रूपता है वो है साक्षात्कार अद्वय रूपता। जीव ब्रह्म अद्वय रूपता साक्षात्कार है, वो वृत्ति के लय होने के उत्तर में ही हो सकता है। तत्साक्षात्कार सिद्ध्यर्थम आत्मतत्त्वं विविच्यते एनयम् सर्वसंसारात् सद्यः एव विमुच्यते। तत्साक्षात्कार वो जो अद्वय आत्मरूपता साक्षात्कार है। उस साक्षात्कार क्यों कहा? साक्षात्कार तो ज्ञान होता है, अद्वय आत्मरूप को कहा, वो अद्वय आत्मा को साक्षात्कार पद से श्रुति ही कहती है, यद साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म। तो साक्षात अपरोक्ष रूपता ब्रह्म की श्रुति ने प्रतिपादित किया है, अतः वो अद्वय रूप ब्रह्म को साक्षात्कार पद से कहा जाता है। वहाँ पर ब्रह्म साक्षात्कार का अर्थ ब्रह्म विषय साक्षात्कार नहीं है, अभी तो ब्रह्मैव साक्षात्कार ये अर्थ है ब्रह्म विषय साक्षात्कार। अतः तद साक्षात्कार सिद्धार्थम उस साक्षात्कार सिद्धि के लिए, सिद्धि का अर्थ निश्चय है, निष्पत्ति नहीं, उस साक्षात्कार के सिद्धि, क्या सिद्धि? आत्मातिरिक्त प्रपंच मिथ्यात्व निश्चय, वही सिद्धि है। आत्मतत्त्वं विविच्यते, आत्मतत्व का विवेक जब हम करेंगे तब आत्मातिरिक्त जो जगत और संसार है उसमें मिथ्यात्व का निश्चय हो जाएगा। मिथ्यात्व का निश्चय ही अद्वय साक्षात्कार का हेतु है। इसलिए आत्मतत्व का विवेक पूर्व में करना होगा। आत्मतत्व का विवेक हो जाएगा तो अनात्म तत्व जिसमें मिथ्यात्व का निश्चय करना है तो आत्मा से विविक्त अनाहत पदार्थ वो मिथ्या है, ये हम सिद्ध करेंगे। एनयम संसारात जिससे इस सर्व संसार का तात्पर्य जो प्रतीयमान संसार है वो सर्व संसार माने अनेक प्रकार के संसार रूपता है।
संसार देह भी है, संसार इंद्री भी है, संसार इंद्री देह इंद्री सन्निघात संघात भी है, संसार विषय भी है, संसार भोग भी है, संसार भोग भोग साधन भी हैं। इसलिए अनेक भोग भोक्ति भोग भोक्ति और भोजन माने भोग साधन तीन रूप में जो विभक्त संसार है वो सकल संसार का से सद्या निमित्ति निवृत्ति तभी होगी, विमुक्ति तभी होगी जब आत्मा का विवेक हो जाए। आत्मा का विनिश्चय हो जाने पर अनात्म का निवृत्ति, अनात्म का मिथ्यात्व निश्चित हो जाता है। इसलिए आत्मा का विवेक करना आवश्यक है इस संसार से निवृत्ति के लिए। इसलिए आत्मा के स्वरूप का निर्वचन करेंगे तो कूटस्थो ब्रह्म जीवेशो इत्येवं चित चतुर्विधा, चार स्वरूप चित ब्रह्मणा चतुर्विध चातुर्विध है, चार स्वरूप ब्रह्म के हैं, कूटस्थ ब्रह्म जीव और ईश, इस चार प्रकार है। चार प्रकार से आत्मा का विवेक हमको करना है और आत्मा के विवेक हो जाने, आत्मा के विवेक मात्र से ही अनात्म पदार्थ संसार की निवृत्ति हो जाएगी। कैसे विवेक करें आत्मा का, तो आत्मा के हम चार स्वरूप मान लेते हैं, एक कूटस्थ ब्रह्म, एक कूटस्थ चैतन ब्रह्म चैतन जीव चैतन और ईश चैतन। जिस प्रकार से घटाकाश महाकाश जलाकाश और अभ्राकाश, चार जिस प्रकार से आकाश के स्वरूप हैं, घटाकाश महाकाश जलाकाश और अभ्रकाश, उसी प्रकार से ब्रह्म के चार स्वरूप हैं कूटस्थ ब्रह्म जीव और ईश। अब सबसे पहले जो दृष्टांत है घटाकाश महाकाश जलाकाश अभ्राकाश, दृष्टांत भूत जो आकाश के चार भेद हैं उनका निरूपण कर रहे हैं। घटावच्छिन्न खे नीरम यत तत प्रतिबिंबितः साभ्य नक्षत्राकाशो जलाकाश उदीर्यते। घट से अवच्छिन्न घड़ा है, वो घट से अवच्छिन्न आकाश है, उस आकाश में नीरम, उस आकाश में माने घड़े घड़ा में आकाश विद्यमान है, उसमें जल भरा, तो जो नीर है और वो जो नीर है उस नीर में जो प्रतिबिंबित है आभ्र नक्षत्र साभ्र नक्षत्र
मेघ के सहित अभ्र माने मेघ और नक्षत्र आदि के सहित जिस आकाश का प्रतिबिंब होता है, क्योंकि अब आकाश की स्थिति एक घट है, घट से अवच्छिन्न आकाश है, दूसरा उसमें जो जल है उस जल में प्रतिबिंब आकाश का पड़ता है। किस आकाश का प्रतिबिंब है तो नक्षत्रों और मेघों के सहित जो आकाश है उसका प्रतिबिंब पड़ता है। सब नक्षत्र आकाश है, उस आकाश को जलाकाश कहेंगे। जो साब नक्षत्र आकाश है जलाकाश है उसे से। अच्छा, तो एक घट से अवच्छिन्न आकाश हो गया और एक जल है वो जल से अवच्छिन्न भी आकाश हो गया जलाकाश, और उसमें जलाकाश में जो साभ्य नक्षत्र का प्रतिबिंब पड़ रहा है वो जो है वो क्या हुआ, साभ्य नक्षत्र। उसी आकाश का नाम जलाकाश अभ्रगे, आकाश अभ्रगे यथा जलाकाश है। महाकाश और जलाकाश दो हो गए, एक आकाश। एक आकाश घट से अवच्छिन्न हुआ, घट में जो नीर है उस नीर में जो साभ नक्षत्र आकाश का प्रतिबिंब है वो जलाकाश हुआ। महाकाशस्य मध्ये यद मेघ मंडलम इच्छते, और जो महाकाश है उस महाकाश में जो मेघ मंडल है, मेघ दिखाई दे रहा है, उस मेघ मंडल में जो प्रतिबिंबित आकाश है वो मेघ आकाश है। एक नीर में जो प्रतिबिंब नीलम नीर जो जल है उस न जल में प्रतिबिंबित जो साभनचक आकाश है वो तो जलाकाश, और जो महाकाश के मध्य में जो मेघ मंडल है दिखाई दे रहा है उस मेघ मंडलम मंडलम प्रतिबिंबतया उस मेघ मंडल में जो प्रतिबिंबित हो रहा है आकाश का प्रतिबिंबन जो मेघ मंडल में हो रहा है वो मेघाकाश, वो मेघाकाश भी जल में स्थित है। जो महाकाश मध्य मेघ मंडल है वो मेघ तो प्रतिबिंबतया वो भी प्रतिबिंबित उसी में है, अतः वो उसका जो प्रतिबिंबन हो रहा है वो प्रतिबिंबन जो है जल में ही है, वो है आपका मेघाकाश। तो घटाकाश घट से अवच्छिन्न होने के कारण वो घटाकाश है, उसमें जल परिपूर्ण है और उस जल परिपूर्ण में साभ नक्षत्र जो आकाश है वो जल में जो अभ्र माने मेघादि के सहित जो आकाश है उसमें प्रतीत हो रहा है वो जलाकाश है, और उसमें महामंडल महाकाश मध्य में जो मेघ मंडल है उस मेघ मंडल का जो प्रतिबिंबन है वो प्रतिबिंबन मेघाकाश वो भी जल में स्थित है।
अब मेघांश रूपम उदकम तुषाराकार संस्थितम तत्र खा प्रतिबिंबोयम नीरत्वात् अन्वीयते। अब मेघांश, मेघांश रूपम उदकम तुषाराकार संस्थितम तत्र ख प्रतिबिंबोयम नीरत्वात्। अब जो मेघांश रूप उदक है, जो आकाश महाकाश मंडल में मेघ है, मेघ में धूम ज्योति और शल मर्द निपात है, तो मेघांश रूपम उदकम, मेघांश रूप जो उदक है तुषाराकार संस्थितम, उसमें आकाश का प्रतिबिंब स्वीकार करना होगा। क्यों? नीरत्वात्, जो जो नीर है मेघस्थ जलस्य प्रत्यक्षे अनुपलम्ब, मेघस्थ जल प्रत्यक्ष अनुपलम्ब है, तो उस मेघांश रूप उदक को कैसे जानेंगे तुषाराकार में संस्थित? तब उसको खा प्रतिबिंबोयम नीरत्वाद अनुमीयते, अनुमान का आकार। ओ आकाश प्रतिबिंब, आकाश का प्रतिबिंबन मानने पर नीरत्वात् आकाश प्रतिबिंब को नीरत्वात् मानना पड़ेगा, तो नीरत्व हेतु आकाश के प्रतिबिंबन का साधन है, तो जो जहाँ जहाँ प्रतिबिंबन है वो प्रतिबिंब का की उपाधि आकाश ही उसे। मेघस्य जलस्य प्रत्यक्षेण अनुपलम्भेपि वृष्टि लक्षण कार्य, मेघ में तदुपादानकम् सूक्ष्मावस्थ अवयव रूपम अस्तित्व अनुमीयते। तो मेघांश रूपम उदकम तुषाराकार में संस्थित जो है उसको सूक्ष्मावस्था में मानना पड़े, उदकत्वेन लिंगेन प्रतिबिंबत्वमपि, और उसमें प्रतिबिंबत्व भी स्वीकार करना पड़ेगा उदकत्व, कि जो जो उदक है वो आकाश प्रतिबिंब उपाधि होता है, अतः प्रतिबिंबत्व भी प्रतिबिंबत्व प्रतिबिंबवत्व माने प्रतिबिंबाशयत्व भी उसमें नीरत्वाद हेतुना प्रतिबिंबोस माने प्रतिबिंबाशयता भी उसमें स्वीकार करना पड़ेगा। तो मेघांश रूप जो उदक है तुषाराकार संस्थित है वो भी स्वीकार करना पड़ेगा उदकत्वेन लिंगत, क्योंकि उपादानम उदकम सूक्ष्मावस्थायाम अस्ति, क्योंकि वृष्टि लक्षण कार्य को देख करके अयम मेघा शोधकः वृष्टि जनकत्वात् वृष्टि हेतुत्वात्, तो वृष्टि हेतुत्व तो जिसमें होगा वो वृष्टि का हेतु जलयुक्त होगा, इसलिए ये अनुमान उसमें किया जा सकता है।
मेघांश रूपम तुषारासन से, और जब उसमें जल रूपता का निश्चय हो गया तब नीरत्वादि हेतु के द्वारा आकाश प्रतिबिंबाशयता का भी निश्चय हो जाएगा। ये चार स्वरूप उसके जल आकाश आकाश के चार स्वरूप घटाकाश जलाकाश प्रतिबिंबाकाश महाकाश। दृष्टांत भूत जो चित है चैतन्य है आत्मा है उसके चार रूप कैसे? अधिष्ठान तया देहद्वयवच्छिन्न चेतनः कूटवत निर्विकारेण स्थितः कूटस्थ इत्युच्यते। कूटस्थ आत्मा क्या है? अधिष्ठान तया देह द्वय अवच्छिन्न चेतनः, सूक्ष्म देह और स्थूल देह। दो देहों को पहले ले रहे हैं, कारण शरीर को नहीं ले रहे हैं, अविद्या को। तो अधिष्ठानतया देह द्वय अवच्छिन्न, सूक्ष्म देहावच्छिन्न स्थूल देहावच्छिन्न जो चेतन है वो कूटस्थ है, कूटवत निर्विकारेण स्थित इति कूटस्थ है। कोई न कोई आत्म तत्व है जो दोनों देहों में रहता है, अवस्थित है। अतः वो जो दोनों देहों में रहने वाला आत्मा है वो अधिष्ठान है। अधिष्ठान भूत जो आत्मा है वो कूट निघाई, जिस प्रकार से कूट है एक लौह विशेष है स्वर्णकार के यहाँ या अयोकार के यहाँ, अयहकार जो लोहार है उसके यहाँ रहता है कि नीचे रहता है, एक हाथ में उसके रहता है, ये दोनों कूट हैं क्योंकि इनमें कोई विकार नहीं होता है। हथौड़ा या घन जो भी कहें ऊपर रहता है, नीचे एक निघाई के रूप में कूट रहता है, और उसके मध्य में जो ज्वलित आय है, जलता हुआ जो लोहा है, गर्म लोहा है, उस लोहा में जब दोनों कूटों के मध्य में लोहा को रख करके पीटता है तो लोहे में ही विकार होता है, वो गर्म लोहे में। न नीचे के कूट में न ऊपर के कूट में कोई विकार नहीं होता है। अतः निर्विकार और कूट ये दोनों पर्यायवाची है। कूट में जिस प्रकार से कोई विकृति नहीं होती, उसी प्रकार से जिसमें विकृति न हो तो कूट इव स्थितः कूटस्थः, कूट के समान जो निर्विकार है विकृति रहित है वो कूटस्थ है। वो कौन है? देह द्वयवच्छिन्न, सूक्ष्म देहावच्छिन्न स्थूल देहावच्छिन्न जो अधिष्ठान भूत जो चैतन्य है वो कूट के समान निर्विकार होने के कारण ही कूटस्थ कहा जाता है। निर्विकारत्वेन कूट के समान निर्विकार स्थित है इसलिए उसको कूटस्थ कहा जाता है। और उस कूटस्थ में कल्पित वो जो कूटस्थ है
देहद्वयावच्छिन्न चैतन्य अधिष्ठान भूत जो कूटस्थ है, उस कूटद्वय कूटस्थ में कल्पित जो बुद्धि है, बुद्धि आरोप हुआ, अधिष्ठान है, इसलिए सकल आरोप का आश्रय अधिष्ठान रहता है। तो बुद्धि जो कल्पित है, आरोपित है, उस बुद्धि में जो प्रतिबिंब चित्त का प्रतिबिंब है, प्राणानाम धारणात् जीवः, वो प्राणों के धारण करने के कारण उसको जीव कहते हैं, और वो ही संसार से उसका योग है। तो कूटस्थ में बुद्धि कल्पित है, बुद्धि माने अंतःकरण, कूटस्थ आत्मा में अंतःकरण कल्पित है, और उसमें जो चित्त का प्रतिबिंब है, चैतन्य का प्रतिबिंब है, उसको जीव कहेंगे। जीव प्राण धारण यह धातु है, जीवति, तो प्राणों का धारण वही करता है, अतः प्राण धारणा जीव, अब वो जीव का ही संसार से योग है। इसके बाद जल व्योमना घटाकाशो यथा सर्वस्तिरोहितः तथा जीवेन कूटस्था सो अन्यानि अध्यास सो अन्यान्याध्यास उच्यते। अब दृष्टांत में जिस प्रकार से जल व्योमना घटाकाशः, जलाकाश से जल, जलाकाश से घटाकाश तिरोहित हो गया, जो घड़े का आकाश है, उस घड़े के आकाश में जब जल भर दिया तो वो जलाकाश से घटाकाश जिस प्रकार से तिरोहित हो जाता है, उसी प्रकार से जब उस देहद्वय से अवच्छिन्न जो कूटस है, कूट चैतन्य है, कूटस चैतन्य है, उसमें जो बुद्धि कल्पित है, उस बुद्धि में जब प्रतिबिंबन जल का हुआ तो जल, वो प्रतिबिंबन जब चित्त का हुआ तो वो जीव कहलाया, तो जीवेन वो जीव के द्वारा कूटस्थः, सह कूटस्थः अन्योनाध्यासः, वो जीव का कूटस्थ का अन्योन्याध्यास हो गया। कैसे? क्योंकि देहद्वय में से अवच्छिन्न कूट को वही कूटस्थ था, और उस कूटस्थ में बुद्धि के कारोप हुआ, और बुद्धि में जो प्रतिबिंब चैतन्य का परा, वो प्रतिबिंब चैतन्य प्रतिबिंब जीव कहलाया, तो उस जीव के द्वारा कूटस्थ का अन्योन्याध्यास हो गया। जिस प्रकार से जलाकाश और घटाकाश में कोई भेद नहीं रहेगा, जब घट में जल नहीं है तब घटाकाश कहेंगे, और जब जल में घट में जल भर देंगे तो जल में भी, जल भी से भी अवच्छिन्न आकाश है,
और घट से भी अवच्छिन्न आकाश है। वो घट से अवच्छिन्न जो आकाश है वो जल अवच्छिन्न आकाश से अभिन्न हो गया, उसी में वो तिरोहित हो गया। उसी प्रकार से जो देहद्वय अवच्छिन्न चैतन्य है उस चैतन्य में जो आरोपित बुद्धि है उस बुद्धि में जब प्रतिबिंब चैतन्य का पड़ा जिसको जीव कहा गया, तो वो जीव से जो जीव रूपता भी उसी में है, क्योंकि आरोपित बुद्धि अंतःकरण उसी में है, तो उसी में जीव रूपता है। तो कूटस्थ रूपता जीव रूपता का परस्पर अन्योन्याध्यास हो गया। इसलिए अयम जीवो न कूटस्थ विनक्ति कदाचन अनादि अविवेकोयम मूला विद्यातिक गम्यता। इस प्रकार से अयम जीव न कूटस्थ, अयम जीव न कूटस्थ कूटस्थम, अयम जीव कूटस्थम कदाचन न विविनक्ति। यह जो जीव है ये कूटस्थ चैतन्य से विविक्त कभी नहीं हो पाता है। जो कूटस्थ चैतन्य है वो कूटस्थ चैतन्य से यह भिन्न जीव जीव है, क्योंकि जीव चैतन्य प्रतिबिंब है, परंतु ये जीव कूटस्थों से विविक्त कभी नहीं होता है। क्यों? यही विविक्त ना होना जो अविवेक है, ये विवेक जो है यही अनादि है। इसी अनादि अविवेक को अविद्या कहा गया है। तो यह जीव कूटस्थ से विविक्त नहीं होता है। कूटस्थ और चित्त का जीव का जो अविवेक है यह अविवेक ही मूला विद्या है। विपेक विक्षेप आवृत्ति रूपाभ्याम द्विधा विद्या व्यवस्थिता ना भाति नास्ति कूटस्थ इति आपादनम आवृत्ति। यह जो अविद्या है ये अविद्या के सामर्थ्य द्वय हैं, तो दो सामर्थ्य के कारण इसके दो रूप हैं, दो रूप भी कहे जा सकते हैं, विक्षेप है और आवृत्ति है। आवरणोति इति आवृत्ति चैतन्य के स्वरूप को आवृत करने के कारण उसको आवरण शक्ति है उसमें, और उस आवरण शक्ति से चैतन्य के स्वरूप को आवृत करके और अचैतन्य जगत का प्रदर्शन करा देना, ये विक्षेप है। तो अच्छे विक्षेप आवृत्ति रूपा इस प्रकार से शक्ति द्वय सामर्थ्य द्वय के कारण इस अविद्या को भी विक्षेप और आवृत्ति दो रूप इसको माना जा सकता है। इसमें क्या है, आवृत्ति का पहले स्वरूप क्या है, ना भाति कूटस्थ नास्ति कूटस्थ ना भाति, यह जो आपादन है ये अविद्या के आवृत्ति शक्ति का आवरण शक्ति का फल है। कि प्रकाशमान जो चित है, स्वयं सुप्रकाशमान जो चित है,
उस चित्त को अप्रकाश मानता समझना, चित्त प्रकाशित नहीं होता है। प्रकाश स्वरूप चित्त में अप्रकाशता, सद स्वरूप चित्त में असद रूपता, यही अविद्या के आवरण है, यही अविद्या के आवरण आवरण वृत्ति का आवरणात्मक वृत्ति का फल है, आवरणात्मक परिणाम का फल है। और ना अज्ञानी ना भाति नास्तिकूटस्थितियापादनम आपत्ति, अज्ञानी विदुषा पृष्ठा कूटस्थम न प्रबुद्धते न भाति नास्तिकूटस्था इति बुद्ध्वा वदत्यपि। अज्ञानी विदुषा पृष्ठ विद्वान यदि अज्ञानी से पूछता है कि कूटस्थ को जाना कि नहीं जाना, तो न भाति नास्ति कूटस्थ, तब कहेगा कि नहीं, कूटस्थ का तो कोई प्रकाश नहीं है और कूटस्थ का कोई ज्ञान नहीं है। तो न भाति कूटस्थ न कूटस्थ न भाति नास्ति कूटस्थ, यह जो बुद्धापि वदत्यपि, क्योंकि कूटस्थ का बोध हुए बिना नास्ति कूटस्थ, यह कैसे बोध होगा, क्योंकि कूटस्थ के प्रकाश होने के बिना कूटस्थ का प्रकाश नहीं होता है, यही ज्ञान कैसे होगा। कूटस्थ के ज्ञान के बिना कूटस्थ नहीं है ये भी ज्ञान कैसे हो सकता है। अतः अज्ञानी जो है उस भास्वर सुख जो स्वरूप है, स्वयं स्वप्रकाश जो स्वरूप है, उस स्वरूप को जानता हुआ भी और न भाति कूटस्थ नास्ति कूटस्थ, यह बोलता है कूटस्थ का बोध करते हुए भी, है ना। इस प्रकार से कूटस्थ चैतन्य का ज्ञान निश्चय करना इसका मूल प्रपंच है। अब आगे आज का पाठ यहीं समाप्त करते हैं। अब बाहर जाना है इसलिए अगला पाठ अब 15 तारीख 13-14 15 तारीख को आज के दिन ही सोमवार को ये 15 तारीख को अगला पाठ होगा, तब तक के लिए पाठ बंद रहेगा। हरिओम तत्सत्।